और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आज छठा दिन है, लेकिन सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष, सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। तो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का आज छठा दिन, लेकिन आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में देखिए आज छठा दिन है, लेकिन आज भी हंगामे के आसार हैं। और चलिए सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, बजट सत्र चल रहा है, आज छठा दिन है, लेकिन पिछले 5 दिनों की कार्यवाही पर अगर हम नजर डालें तो आज भी सदन के अंदर और बाहर हंगामे के आसार। जी नहीं, कल कार्य मंत्रणा की जो बैठक हुई थी उसमें एक आम सहमति कल बनाई गई है कि सदन को चलाया जाएगा और जो भी बातें विपक्ष के सरकार को घेरने वाले मुद्दे होंगे उस पर जो ध्यान आकर्षण के बाद का समय बचता है उस पर सदन में किसी चीजों को लेकर अगर चर्चा करनी होगी तो कराई जाएगी। तो कल जिस तरह की एक झलक दूसरे हाफ में देखने को मिली कि स्पीकर के द्वारा बुलाए गए आपात कार्य मंत्रणा के बाद बजट पर सुचारू रूप से कल सदन के अंदर चर्चा हुई, हालांकि जरूर यह था कि कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला द्वारा प्रधानमंत्री पर किए गए टिप्पणी के बाद बीजेपी का वॉकआउट सदन से हो गया था, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज भी कई महत्वपूर्ण सवाल विभिन्न विभागों से सदन में आज लाए जाने हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो आम बजट राज्य का पेश हुआ है उस पर 2 दिवसीय चर्चा का आज दूसरा दिन है और दूसरी पाली में आज भी तकरीबन 2 घंटे तक बजट पर चर्चा होगी, सरकार का जवाब आएगा और संभावनाएं हैं कि मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से इस बजट पर चर्चा का जवाब देंगे, क्योंकि जिस तरह से कल जब विरंची नारायण इस बजट की चर्चा पे पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उन्होंने जो आरोप लगाए थे राज्य की सरकार पर तो उसी वक्त मुख्यमंत्री ने सदन में खड़े होकर यह कहा था कि बीजेपी के विधायकों को कल इतनी हिम्मत दिखानी होगी कि सरकार जब सदन के अंदर अपना जवाब दे तो सरकार के जवाब को सुनने का मादा बीजेपी के लोग रखे। और कल भी कई महत्वपूर्ण सवाल सदन में पूछे गए थे और जिस तरह से कल बीजेपी के विधायकों का प्रदर्शन सदन के अंदर हो रहा था उसके बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन का संचालन कराया, कई सब महत्वपूर्ण सवाल सदन में पूछे गए, कल कहीं ना कहीं बीजेपी को वहां पर थकता हुआ नजर हम लोगों ने देखा कि बीजेपी का जो प्रोटेस्ट था वो कहीं ना कहीं कल कमजोर पड़ा, जिसके बाद अंतिम पड़ाव जब प्रश्नकाल का चल रहा था तो उस वक्त इस कदर सदन के चलने से बीजेपी के विधायक हतोत्साहित नजर आए सदन के अंदर कि वहां पर वो कीर्तन करने लगे। तो आज भी उम्मीद की जा रही है कि जो कल एक कमिटमेंट किया गया है विपक्ष की तरफ से कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तो उसके अनुसार सदन चलेगा और सदन में महत्वपूर्ण सवाल जो है वो आज भी उठाए जाएंगे और बीजेपी के विधायक जिन्होंने कि कल पार्टिसिपेट नहीं किया था क्वेश्चन आवर में, उन्होंने क्वेश्चन जरूर दिए थे स्पीकर द्वारा क्वेश्चन करने के लिए, उन्हें जब कॉल किया गया तो अपने अपने मुद्दों को उन्होंने प्राथमिकता देते हुए अपने प्रश्नों को जो है वो दूसरे पायदान पर रखा था। तो एक उम्मीद जरूर जागी है कि आज छठे दिन से सुचारू रूप से यह विधानसभा का जो प्रश्नकाल है वो कम से कम चले और सबसे बड़ी बात कि सरकार जब आज अपना जवाब देगी बजट पर तो क्या कुछ विजन के साथ ये बजट सरकार ने लाया है, क्या कुछ कार्य योजना और किस तरह से तेज गति से बजट के प्रावधान को धरातल पर उतारा जाएगा इस पर जब सरकार का जवाब आएगा तो उस वक्त कई महत्वपूर्ण चीजें जो है वो खुलकर सामने आएंगे। चलिए नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र और बजट सत्र का छठा दिन, कई अहम सवाल और बजट को लेकर सरकार जवाब देगी।